हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं एनविटी आपके लिए लेकर आए स्ट्रिक्स 9.1 रिच प्लैटिनियम कलर्स, जो कि ये आप देख रहे हैं ना, क्रीम हेयर कलर है। इस तरह के पैकेज में है। इसकी प्राइस जो है काफ़ी अच्छी है, 70 रुपीज़ में है। 25 ग्राम का ये पैकेज है और इसमें आपको बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, जो कि कंडीशनिंग है अंदर, और ये हमारे हेयर को कुछ इस तरह से कलर करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये कलर आपके हेयर को ऐसे करता है? तो आज के इस वीडियो में आपको क्लियर कर देती हूँ। एंड इसमें आपको टू क्या प्रोडक्ट जैसे क्रीम्स मिलते हैं, तो एक है इस तरह से ट्यूब में है और एक जो है डिब्बे में है, ऐसा कंटेनर में है। तो यहाँ पे ऐसा जो रैपर है उसमें मेंशन किया होता है, उसके साथ में तो एक ऐसा हैंड ग्लव्स है जो कि पॉलिथीन में है। तो ये आप लगा के साथ में कर सकते हो। और उसके साथ जो शैम्पू है, एंड ये देख रहे हैं कंडीशनर है, सॉरी शैम्पू नहीं, कंडीशनिंग। तो ये कंडीशनर आपको अपने हेयर पर यूज करना है। अगर आपके हेयर काफ़ी बड़े हैं तो दो यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक ही सही है। आप नेक्स्ट जब यूज करिएगा फिर डे, तो ये आप यूज कर सकते हो। ये 5 ग्राम का कंडीशनिंग है। वैसे मेरे जितने बाल हैं, मैं तो कहूँगी एक पाउच मेरे लिए सही है और सॉफ्टनेस बनाता है, क्योंकि हेयर कलर जब हम करते हैं तो शैम्पू नहीं यूज करते हैं, तो कंडीशनिंग यूज करना पड़ता है, अलग से लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये इसी स्ट्रिक्स का जो शाइन कंडीशनर दे रखा है सही है। इसको लगाने से आपके हेयर काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ होते हैं, क्योंकि शैम्पू हमें नहीं लगाना होता जस्ट में, या फिर यूँ समझ लो आपको 48 आवर्स तक इसे रखना चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी वॉश नहीं करना चाहिए शैम्पू से। 2 दिन तक आपको वैसे ही नॉर्मल अपने हेयर को रखना चाहिए। ये डेवलपर और क्रीम है, जो कि आपको दोनों को इंक्लूड करना है। उसके बाद ये क्रीम कुछ ऐसे गोल्ड कलर बन जाते हैं, गोल्ड कलर है ही। तो ये कलर अगर आप सोच रहे हैं ऐसा लगाने से ऐसे कलर इस आपके हेयर पे आएंगे कि नहीं, तो या हेयर पे जो कलर आने हैं वो आएंगे ही, लेकिन वो शाइनिंग जैसा दिखता है आपको, ऐसा एकदम नहीं दिखेगा जैसे कि इस तरीके से। लेकिन आपके हेयर जो ब्लैक है उसके साथ अगर आप ये सोच रहे हो सेम ऐसा चाहिए, तो आपको प्रॉपर एक बार यूज करना है, फिर इसे यूज करना है, तो ये ऐसा कलर आ जाते हैं। लेकिन पहले ऐसे डायरेक्ट ब्लैक में ऐसा शाइनिंग कलर ब्राउन मतलब गोल्ड नहीं होता है, एंड शाइन लगता है। जैसे आप धूप में देखते हो ना, आपकी हेयर जो होती है बहुत ज़्यादा शाइन दिखती है। ये जो क्रीम कलर्स होते हैं ये एक तरह से बालों को शाइन करने के लिए होते हैं। जैसे आपने थोड़ा सा जैसे लाइट में या फिर धूप में ऐसा देखते हो ना, तो आपकी हेयर जो होती है शाइन करती है, लेकिन प्रॉपर ब्लैक नहीं दिखती। तो वैसा ऐसा कलर है तो कोई दिक्कत नहीं होता, आपके हेयर वैसे भी गोल्ड हो ही जाएंगे देखने में, यार बहुत अच्छा लगा। अलग ये ब्लैक ब्लैक जैसा नहीं दिखेगा। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका यूज करके बताऊंगी कि हाँ ये कैसा है, क्योंकि अभी मुझे बहुत ठंडी लग रही है, ठंड का सीजन है इसलिए मैं नहीं लगा पा रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, और मैं नेक्स्ट में लगा सकती हूँ। मुझे बहुत ठंडी लग रही है आज, क्योंकि ये विंटर का सीजन है यार, लगाने के बाद धोना पड़ता है ना, तो ऐसा नहीं होगा मुझसे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके बाय।